दार्जिलिंग में ये वाटर पाइप का सिस्टम है ना पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पूरा वाटर पाइप रोड के ऊपर तेंजिंग नोर्गे का घर है ये जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था है ना। तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे रेसिडेंस। अभी कौन रहता होगा जी? फैमिली होगा, उनका फैमिली है। अब दार्जिलिंग आते हो तो बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ पे सभी घर में ऐसे फूल लगाया जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। ब्रोकन विंग्स दार्जिलिंग के विषय में है ये शायद। अभी तो रोड बहुत अच्छा कर दिया है ना हांजी? ये तो नहीं, पहले से पहले से अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन है अभी दार्जिलिंग है ना। पहाड़ के बीच ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे। बैंक है, रोड छोटा छोटा है यहाँ पे। होली एंजल्स स्कूल, ये एरिया में बहुत सारे होटल हैं जी। होटल जो है ना, ये स्कूल है। होटल टिबेट, हिमालयन टिबेट म्यूजियम, चाइल्ड इंजॉइंग फादर्स राइट। ये कैपिटल सिनेमा हॉल है, अभी शायद बंद है, बहुत ही पुराना है, रिनोवेशन हो रहा है। गाड़ी इधर रखता था ना पहले, कुछ पार्किंग अभी भी रखा है ना, अभी भी रमादा होटल ले जा हाँ जी। ये होटल, ये लैंडमार्क है और यहाँ से चौड़ा रास्ता जाता है एकदम मॉल रोड। ये दार्जिलिंग का लैंडमार्क है, यहाँ से चौड़ा रास्ता जाता है ऊपर। पहले इधर बहुत सारे दुकान हुआ करता था ना, अभी दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी ने शायद हटा दिया है, तो बहुत ही कंजेस्टेड होता था यहाँ पे। अभी तो बहुत खुला ओपन कर दिया है, टूरिस्ट लोग अच्छा इजीली चौरस्ता तक जा सकता है। ये कौन सा कैविंटर्स है ना यहाँ पे ऊपर से, कौन एक मूवी शूटिंग हुआ था ना, कौन सा मूवी था? आज थर्सडे शायद सब बंद है यहाँ पे दुकानें, है ना। रणबीर कपूर था उसमें, मालूम नहीं कौन सा था, भूल गया। अभी खुल रहा है एक दो दुकान दो है ना। ये तो बोला
न्यूज़पेपर शॉप टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन यही है ना, मॉल रोड। टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन यही है, चौरस्ता जाने वाला रोड। साइड में बहुत सारी दुकानें हैं। एक डांस स्टूडियो था ना, कौन सा ये है क्या? नहीं, ये तो कैफे शॉप है। हाँ, आज थर्सडे इसलिए सब दुकानें बंद। हाँ, ये ग्लिनरीज है, अच्छा बना है ना। अंजी आप यहाँ पे खड़े हो के ना फोटो खींच सकते हैं आप, मेरा ले लेंगे इस पर बाद में फोटो ना। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाया है ना। ये है दास स्टूडियो, आज थर्सडे होने के कारण सभी दुकानें बंद है। पाइन रिच होटल इंजॉय कर रहे हैं आज। अभी हम लोग चौरस्ता आ गए हैं है ना। अभी हम लोग चौरस्ता पहुंच गए। कोई भी दार्जिलिंग घूमने आते हैं तो ये चौरस्ता जरूर आते हैं ना। This is the main attraction. Yes. आचार्य के स्टैचू है और ये है आदि कवि नेपाली नेपाली लोगों के आदि कवि भानुभक्त आचार्य। कुकुर के बिगड़ा अभी बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, बंगाली टूरिस्ट। ये भानुभक्त आचार्य का स्टैचू है। मेरे ख्याल से इधर कंसर्ट होता है ना। हाँ जी, इधर कंसर्ट होता है यहाँ पे। हाँ, ये देखो ऐसा प्यारा। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, न्यू महाकाल मार्केट, और हम लोग महाकाल बाबा का दर्शन करने ऊपर मंदिर में जा रहे हैं। इधर नीचे क्या है? बहुत सारे बिल्डिंग है पीछे पहाड़ के, इससे नीचे नीचे पूरा घर ही घर है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है नीचे है। क्लासिक गेस्ट हाउस क्यों चौरा से क्यों
सुसली हानि के जस्ते है मार्केट अभी खोल रहा है मार्केट। यहाँ पे भी नीचे बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल्स हैं ना। वेलकम टू महाकाल मार्केट। यहाँ से पूरा मार्केट ही मार्केट है गरम हुन्छ नि अब। अभी हमको ये ऊपर चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। नमस्कार बाबा जी। ये तो क्या हुआ विंडो में रो कुनी होटल है क्या होटल थ्री स्टार होटल ये क्या है जी? प्राइवेट हाउस क्या लॉज है क्या? लॉज ऊपर चढ़ने का टाइम है तो सांस फूल जाता है ना? ठंडा से हाथ में आ जाता है। ये तो पूरा बार लगा दे, इधर से उधर अच्छा व्यू दिखता था ना। ये क्या है? प्राइवेट कॉटेज है ना, टिंकर बेल्स कॉटेज प्राइवेट वाला पूरा धक्के रखा है। डोनेट करे जिसके लिए समबडी हैज डोनेटेड फूड टू ऑल दिस बेगर्स कुछ। ये है पाइन ट्रीज। हिल्स में ऐसे ही लंबा लंबा ट्रीज ऐसा है पाइन। बहुत सुंदर दिखता है ना। पसीना पसीना हो गया ऊपर चढ़ने का टाइम है तो। हाँ
अभी हम लोग महाकाल बाबा का मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये भी नया बनाया जैसा लग रहा है ना? क्या? ये हाँ। ये शेड नहीं था ना? उफ, कितना पीसफुल जगह है यहाँ पे। मंदिर का घंटी सुनाई दे रहा है, लेकिन ऊपर आने का टाइम में थक जाता है ना। हाँ जान पड़ने का था बट हमी जान पड़ने यो बाटो ते टॉयलेट अरे त्यहाँ टॉयलेट रहेछ ऊपर श्री महाकाल जय भोले जुत्ता उत्ता खोल माथि खोल्नु पर्छ यहाँबाट प्रसाद लिऊँ न यहाँ पे सो स्टाइल के भन्नुहोस् त्यो त डोनेसन बक्स भित्र होला नि त यहाँ राखिराखौँ नि यहाँनिर राख सुज खोलने के बाद यहाँ पे हाथ धो सकते हैं है ना। इच्छा खोला ना इच्छा खोला पानी आ रहा सबको स्वागत है आज के इस मेरे नए वीडियो में और आपको स्वागत है दार्जिलिंग में भी। हम लोग दार्जिलिंग आए हैं एक दिन के लिए घूमने के लिए, तो महाकाल बाबा का मंदिर में दर्शन करने के लिए अभी जिस आए हैं हम लोग वहाँ पे हैं महाकाल बाबा का मंदिर और पास में बहुत सारे देवियों का मंदिर भी है, नीचे भी है। बहुत ही सुंदर लोकेशन में ये मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पे और बहुत सारे डिवोटीज देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पे। दार्जिलिंग का मेन एक अट्रैक्शन भी है। जब भी मैं वेकेशन आता हूँ तो ये मंदिर दर्शन करने के लिए मैं ज़रूर आता हूँ। बहुत सालों से इस मंदिर में आता हूँ दर्शन करने के लिए। दिया जला रहे हैं, मेन पूजा यहाँ पे होती है। हाँ जी चढ़ा दें I am the one who is 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 the one
हिँडे चढाइ त नि यहाँ पे मॉन्क भी है और पंडित जी भी हैं, दोनों ही पूजा करते हैं, पूजा कर देते हैं। किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ भी होता है, तो यहाँ पे आके पूजा करते हैं। मैं तो बता सी इसको क्या बोलते हैं जी? मानी यहाँ नीचे से करता है, सेल करके घुमा जाता है। यहाँ पे 108 है ना, घुमाओ। चलो आकाश 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 यहाँ पे महाकाल बाबा का डेवलपमेंट जो इनकी कमेटी है वो यहाँ पे डोनेशन जितना भी हो तो इसका मेंटेनेंस होता है ना। खिचडी नानी खिचडी होइन दुईवटा राख्नुहोस् न, त्यो अलिक पतला हुन्छ तपाईँको। तलै राख्नु नानी, रिल्याक्स भएर हुन्छ। पत्ता त खानु मजा है। प्रसाद कस्तो रहेछ? राम्रो मिठो रहेछ। यहाँ हाल्दा हुन्छ है? प्रसाद लिनुभयो? हजुर प्रसाद थापाउँ ल। ये महाकाल डाँडा में ये टॉयलेट का भी फैसिलिटी है, वॉशरूम का, तो पे करके उस तरफ जाना पड़ेगा। वही माथि हेर कस्तो राम्रो रहेछ शिवजी को बान्तरमा बसिरहन्छ। हम लोग नीचे जा रहे हैं, दर्शन हो गया महाकाल बाबा का, है ना? अभी सुबह सुबह आए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज, पहले
ये कहाँ पे लगाया है भजन? बहुत अच्छा भजन है। मेरोमा अलिकति छ ल, मैले नपुगेको चाहिँ पुगेन भने ल बेटा। देऊ न बाजेलाई। सबैलाई नै ऊ दिदी होइन वेदर चाहिँ राम्रो भएको छ अरे है यहाँ त यस्तो मुझे ना ऐसा विंडो में ऐसा ऐसे करके प्लांट करना अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव विंडो सिल में ऊपर ऐसे करके ये प्लांट्स ऐसे करके रखना अच्छा लगता है। ये है विंडोमेर होटल, थ्री स्टार, थ्री स्टार अंदर बड़ा होटल। हाँ बड़ा है। एक बार हम लोग गए थे इसके अंदर। बाबा जी कैसे हो? ठीक है यार, क्या करूँगा, बहुत दूर से आया, क्या करूँगा। कहाँ से आए आप? कहाँ से? कामरूप कामाख्या से आया। कामाख्या माई से बोले तो? कामाख्या माई असम गुवाहाटी। असम से आया आप लोग? आशीर्वाद में जो आरो आगे बढ़ जाना चाहिए वो गंगटोक सिक्किम। हाँ। आपको जो है क्या जो अमेरिका जो है ना, अमेरिका हाँ। जाने का दिल करता है। अमेरिका? अच्छा, क्या करेंगे उधर अमेरिका जाके? भोलेनाथ का मंदिर है अमेरिका में। हाँ, हम नेट में सब देखा है ना। अच्छा, आप नेट पे चेक करता है? वो हम लोग का जो पास बनाता है ना, उन लोग का बोला है कि वो बहुत अच्छा है, वो जाएगा दर्शन करने का। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते? पूजा करते है? पूजा जो देता है भोलेनाथ को ऐसे है। अच्छा, क्या करेगा, घर नहीं है, बाड़ी नहीं है। अच्छा, माता पिता को तो पहले। तो असम में कहाँ रहते हैं आप? असम में किधर रहते हैं? असम कलाईगांव से। कलाईगांव? आप असमीज जानते हैं? जानता। आप असमीज है? अभी इधर किधर रह रहे? इधर वो नीचे महाकाल का मंदिर का नीचे। ओके ओके, ठीक है, आपकी इच्छा पूरा हो। उल्टा आशीर्वाद दे दे, उल्टा आशीर्वाद दीनु पड़े। मैं कामाख्या मंदिर तुम्हारे लिए गेस्ट आ गए हैं। मजा कर रहा है तो बाटो रूम फ्रेश एयर ग्रीनरी ऑल अराउंड। मेरा दिनु पर्थ्यो ल त।